हमारे साथ आशीष माहेश्वरी हैं अपने पिक देने के लिए। जो मेरा पसंदीदा स्टॉक है 2019 के लिए और जहां मुझे वैल्यू बाइंग नजर आती है और कोई डाउनवर्ड रिस्क नजर नहीं आती वो है हीरो मोटोकॉर्प। मेरा मानना है ये इस स्टॉक को 3600 रुपए के प्राइस टारगेट से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। और जो फैक्टर्स हैं जो मुझे लगते हैं कि इस स्टॉक को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे उसके पीछे है कि जो सरकार की जो स्पेंडिंग है 2019 में वो ज्यादा से ज्यादा रूरल एरिया में होने वाली है और उसका काफी फायदा मिलेगा हीरो मोटोकॉर्प को। इसके अलावा जो 2018 के पिछले 6 महीने थे जुलाई से दिसंबर तक के वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स के कारण से काफी टाइटनेस रहा ऑटोमोबाइल मार्केट में, ये धीरे धीरे ईज आउट हो रहा है, तो मेरा मानना है 2019 में लिक्विडिटी रिलेटेड कोई इश्यूज यहाँ रहेंगे नहीं। तीसरा जो एक फैक्टर है वो है कि रूरल जो डिमांड है वो काफी ड्राइव करेगी टू व्हीलर इंडस्ट्री को 4 व्हीलर के कंपेरिजन में, तो ये फैक्टर है। चौथा मुझे लगता है कि जो उनके न्यू लॉन्चेस हैं जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है या एक्सट्रीम MR जो उनका बाइक है जहाँ पे उन्होंने विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है उनके, उसका काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है क्योंकि 200 सीसी की बाइक करीब उन्होंने 90,000 रुपए से कम रेंज में लॉन्च करके मार्केट में एक अच्छा पेनिट्रेशन कर लिया है। तो मेरा मानना है कि 2019 के साल में इस बार हीरो मोटोकॉर्प की डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी। इसके अलावा अपने 6,000 जो उनके कस्टमर पॉइंट्स हैं, टच पॉइंट्स हैं, उसमें वो धीरे धीरे इजाफा कर रहे हैं जिसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। एक्सपोर्ट मार्केट में भी धीरे धीरे उनका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि एक 25-1 ब्रांड के साथ में ऑलरेडी वो वर्ल्ड की नंबर वन मोटर बाइक टू व्हीलर कंपनी है और उनके जो 2019 के लॉन्चेस है करीब 6 से 7 स्कूटर और बाइक उनके प्लान में है। तो अभी यदि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक अपने FY20 की जो अर्निंग्स है उसके सामने से 15 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, तो जिसका मेरा मानना है कि लीडर जो इस सेगमेंट में है और जहां पर यदि 10% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है तो स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है और मेरा कंजर्वेटिव इस स्टॉक के लिए टारगेट 3600 का है। बट 2019 में इस स्टॉक का पोटेंशियल इनफैक्ट और भी ज्यादा जाने।